हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से। यहाँ पर हो चुके हैं सुबह और सुबह के बज गए हैं 7:44। मैं उठ चुका हूँ, मेरे अभी ये जो हैं भाई सो रहे हैं सारे। भैया उठ जाओ। मैं तू चुप हो जा साले, तू तो गाड़ी में भी सो जा, सुन दे थोड़ा सा, रात भर फिर जागना है। गाइस इन्होंने मुझे धमका दिया, मैं कह रहे तो गाड़ी में सो जाता है, हम नहीं सोते। बताओ आपने देखा मुझे आज तक सोते हुए गाड़ी में? कमाई खान नाम लगा रहे। अब गाइस यहाँ पर हो चुकी है सुबह, ये देखो बाहर का व्यू। और अब हम यहाँ से निकलेंगे, चेकआउट करेंगे करीब 12-1 बजे के आसपास। और ये भैया का अलार्म भी बज चुका है। भैया अलार्म बज रहा तुम्हारा? गाइस मैंने अलार्म बंद कर दिया। ये ये भाई उठ गया, इसकी नींद में खलल घेर दिया मैंने। उठ जा ए कुर्सी दुआ, उठ जा रे भैया। गाइस इतनी कमेंट करो, इतनी कमेंट करो जो इनकी आंखें खुल जाएं। कोई अच्छा सा तरीका बताओ इन्हें उठाने का, साइलेंटली तरीका, जिससे मुझे छोड़ो। गाइस हमारे यहाँ पे एक भूत है, और भूत दिखाता हूँ मैं। ये देखो गेट, फिर खुलेगा। गाइस ये भूत यहाँ पे आ रहा है जा रहा है बार बार, और मुझे इसे नहीं उठाया था। मैं चश्मा लगा लेता हूँ। ये लो गाइस, नाउ आई एम ऑल ब्लैक। अरे उठ जाओ यार। गाइस मुझे भूख भी लग रही है बहुत ज़्यादा, ब्रेकफास्ट अभी आया नहीं है, आएगा कैसे? जब हम ऑर्डर करेंगे तब आएगा ना। हवा देखो गाइस, बस ये तो अच्छा हुआ कि हमने विंडो नहीं खोली, अगर इन्हें खोल देते तो जुड़ाई मर जाते हम रात। तो ये इतने बारीक बारीक से कंबल दे रखे हैं, इनमें ज़्यादा विंडो रुकने का। हवा बहुत पहनने चल रही है, बिल्कुल ठंडी ठंडी। गाइस अब समय आ चुका है नहाकर चेकआउट करने का। अब नहाने जा रहे हैं। समय हो चुका है 10:26। मैं उठा हुआ हूँ 7:30 बजे का, और मैंने अभी तक थूका भी नहीं, सिर्फ कोलगेट करे है वो भी अब। और ये बंदे दोनों ये लाइन में है, अगला नंबर इसका, ये नहाकर आ चुके हैं, और मैं जाऊँगा ब्लॉग बनाने के बाद। दोस्त अब अच्छा लगेगा। गाइस ये बताओ कैसे लग रहे हैं, ये कमेंट करके बताओ। बस अभी कमेंट आ जाएगी शाम तक, तब बता देना। अगर वो कह लगे ना बेकार लग रही तो फिर उतार देना हैंड टू हैंड। ये दरवाजा खुला और ये नंगा धड़ंगा आदमी बाहर आता हुआ, और ये जल रहा है लौंडा, बूढ़े से लौंडा नहीं रहा है। किल्सन बोलते हैं इसको। बूढ़े आदमी आजकल लौंडे बन के घूम रहे हैं। हाँ, तो इस जैसे आदमी का क्या होगा फिर? हाँ हमारे जैसे 19-18 साल के बच्चे का क्या होगा? और लैग चश्मा भी लगा दिया भाई रे। मैं भी नहाऊंगा फिर, ना के अपने करें कुछ काम। तो गाइज अब मैं जा रहा हूँ नहाने, मिलते हैं अगली बार। सो गाइज अब हम नहा कर तैयार हो चुके हैं चलने के लिए, तैयार। चेकआउट हो चुका है हमारा, हो चुका है या होने वाला है? होने वाला है कुछ देर बाद। और मेरे बाल हो रहे हैं बिल्कुल ही खजले। अरे पागल उधर हो, बीच में आ रहा जबरदस्ती का। इन्हें सोच रहे ना कि मैं इन इसके व्लॉग में आ जाऊँ, मैं दिखा दिया फिर भी मुँह। तो गाइस मैं आ चुका हूँ थोड़ा ऊपर। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे हमने स्टे किया था। अब अपनी तरफ देखो, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे अभी? अब हम जाएंगे चंबल। चंबल जाएंगे गाइस हम चंबल। मनार लुक एट मी,
मैं हूँ क्या इसमें तुम? अबे तू ही है अभी। अभी तो तेरी साइड से चल रहा है ना। गाइस हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। पैराग्लाइडिंग भैया बताओ कहाँ से करनी है, कहाँ होगी वो? तो वहाँ खजार में होती है। खजार में भी होती है। क्या चार्जेस है यहाँ पर? हाँ पर हेड। और हाइट कितनी होगी 1500 वाले में? फिर अच्छा टाइमिंग कितना, क्या टाइमिंग क्या, कितने मिनट का है? आते रहो भाई, आते रहो। गाइस अब इस इसका नंबर आ गया है। गाइस अब मैं हैंड ओवर करूंगा इस कैमरे को, अब मैं कंट्रोल करूंगा इस कैमरे को। लाओ चश्मा दे दो यार, भैया चश्मा देना एक। जो ना दो चश्मे लाया था अपने लिए, दोनों ब्लैक, और आपने देखा भी होगा जो जो मैंने लगा रखे दोनों मेरे ही हैं, और मेरे दोनों चश्मे कब्जा लिए, एक तो वो रहा पीछे चश्मा, तीन तीन लगा रखे हैं, और एक वो रहा आगे, दोनों तीन लगा रखे हैं। देखिए चश्मा दिखा अपना, अपना यानी कि अपना अपना चश्मा दिखा, अपना चश्मा दिखा। आदमी व्लॉग में भी कमी नहीं छोड़ रहा। मैं अपने सिर की कसम खा रहा, मेरे चश्मे गाइस तुम कसम खा लो किसी की, मेरे चश्मे मेरे ही हैं। गाइस ये तो सिर की कसम खा रहा, टोपा पहना हुआ है, इसलिए कसम भी नहीं लगेगी। ला यार दे दे यार एक आधा, धर दे वहीं। देखा गाइस देखा, दोनों ने दे दिया। अरे ला जल्दी दे, मेरे पांव दुखने लगे यार। मैंने हरा चश्मा लगा लिया तो। अब हम दोबारा कल ऊपर चढ़े थे, अब नीचे ऊपर से नीचे जा रहे हैं। वैसे हमारे ये पेड़ जानवर आता भी नहीं, एक जानवर तो देखा, दूसरा आता भी नहीं। गाइस मुझे अभी जानवर बोला गया बोल रहे हैं कि यहाँ पे दूसरा जानवर नहीं आएगा, क्योंकि एक उनके साथ है, पता नहीं कौन है वो। हेलो गाइस, गाइस मेरे पांव दुखने लगे, गोड्डे टूट गए मेरे उतरने में भी, मतलब जल्दी उतर रहे यार इसे, फटाफट पांच चल रहे, पता भी नहीं चल रहा कब उतरेगा। और यहाँ पैर थोड़े जमा के रखने पड़ेंगे, क्योंकि सूखे हुए पत्ते पड़े हैं, इन पर पैर फिसल सकते हैं जल्दी। गाइस देखो अभी हमने 50% रास्ता क्रॉस कर लिया, और यही अब ये वो जगह है जहाँ इन्होंने पेशाब करा था 10 रुपये दे के। गाइस 10 रुपये में मुत्ता है इन्होंने, 10 रुपये में 20 मांग रही थी वो, फिर कह रहे हम मुँह उतना कर चल 10 देती हूँ। तो पन्नी गैल लेकर आ करो, अगर आप आओ कभी यहाँ तो पन्नी साथ लेकर आना, या फिर बहुत सारे पैसे। वॉशरूम का नाम पता क्या रखा हुआ इन्होंने? हाँ गांधी रूम, गांधी रूम। ओह शिट, अच्छा साफ सफाई वाला। यहाँ कुछ खाने के रेट लिखे हुए हैं, स्क्रीन शॉट ले लेना इसका और देख लेना। लेकिन गाइस कुछ खाने की चीज़ कुछ भी बढ़िया नहीं थी। और हाँ सबसे बड़ी बात गाइस, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमने अभी तक नाश्ता नहीं करा, खाली पेट चल रहे हैं हम। ये कोई ब्रेक, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, तहलका मचा देगी ये तो। कैसे हो भाई? अपना मुंह दिखाओ। एक गाइस यार, एक गाइस हो रहा वो 2 के जितना गाइस है गाइस ये वाला जो गाइस है ना, ये दो बंदों दो गाइसों के जितना एक गाइस है ये वाला। ये सेहत बनाई हुई है, ये पली हुई है ये। हाँ पल, अरे यार एक ही तो धीरे तो चल रहा है। अरे फिर कैसी बनाएगी मुझसे मत कहियो। गाइस आ जाओ भाग का, गाइस कैसे ऐसे ऐसे जा रहे। चल रहे आराम से,
हाँ शॉर्टकट है यहाँ से, कुछ जो जो ये जा रहे हैं देखो गाइस शॉर्टकट अपनाया, लेकिन हम सीधे जाएंगे। ये इन्होंने शॉर्टकट अपनाया, ये मैं भी शॉर्टकट ले सकता था लेकिन मैं आगे निकल गया इसलिए नहीं लिया। आराम से पाँच उखल लगे मेरे तो पूरी तरह। कौन से वाले पूरी अपने फोन से आधे रास्ते से वीडियो बनाई थी हमने, इतनी लंबी ऐसा लगा फोन गया तो सीधा नीचे। गाइस अब हम आ चुके हैं नीचे, नीचे आके देखो मार्केट, और अब बैठते हैं गाड़ी में और निकलते जहाँ में जाना होगा। ले ओके भैया चश्मा ले लो, ना लगते लेंगे तो। गाइस इन्होंने चश्मा देखा था, अरे वो मजा नहीं, हाँ वो अच्छा इसलिए नहीं था, मैं बता रहा हूँ गाइस क्या कारण था। उन्होंने कोई कारण ऐसा कुछ नहीं था, कुछ आदमियों की होती है बक छुपती है। नहीं गाइस मैं आपको ये उनमें से हैं, गले की कसम खा के बता सच बोल दो गले की, उससे क्या हुआ वो बताऊंगा इस क्या सीजन है। इन्होंने चश्मा ढूंढा, बहुत पसंद आ गया ना वो, नहीं आया पसंद मुझे, और इन्होंने जब उसका रेट पूछा तो वो बताया उसका 250, मुझे पसंद नहीं आया। फिर ये जो ना जहाँ से उठाया वो ढूंढने लगे कि मैंने उठाया कहाँ से था, ये वो जगह नहीं मिल नहीं रही, इनके हाथ पैर कप कपाने लगे, और जबकि वो चश्मा था ₹60 उसकी वैल्यू है। कितने? ₹60 मतलब जो वो था वो ₹60 का था वो, और ₹60 का चश्मा था वो कालू, फिल्टर नहीं लगा रखा ना उसने। अच्छा मेरे में आधे फिल्टर लग रहा हुआ। तो गाइस कर जल्दी अभी हमें मार्केट वो लगा दिए ना, यहाँ क्राउड देख सकते हैं आप कितना सारा क्राउड है, क्राउड है आज, क्राउड है सोच रही पता ही ना तो गाइस तारी हंसते सी। चैनल का नाम पूछो, चैनल का नाम बताओ ब्लॉगर साहब। अभी नया बना रहा हूँ मैं चैनल। तो गाइस यहाँ होती है पेंटिंग, ये भाई पेंटिंग वाले। अब हम आ चुके हैं कहाँ, कहाँ गए अब हम, अपनी पार्किंग की जगह। बढ़िया मीठा कितने रुपए? 50 के दो। रसगुल्ले ठंडे बड़े लगे पर गुलाब जामुन है ना, देसी घी का है। अच्छा ले लेते हैं, ले लो चार, ले लो चार, चार ले दो यार ये वाला। गाइस अब हम खाओगे रसगुल्ला, नहीं 104 है, 104 है ना भाई, ज्यादा गर्म मत देना, ऊपर से देना ज्यादा गर्म, ये वाला ठंडा होगा बिल्कुल, मतलब नहीं थोड़ा सा मिनट में ठंडा हो जाएगा, आप इसको कट मारना टूट जाएगा, सिंगल सिंगल चार जगह कर दो, हां इसको तोड़ लेना ना एक बार ही ठंडा हो जाएगा। बात करो क्या बोलते हैं, चासी बोलते हैं आप इसको, हमारे यहाँ बखर बोले हैं, हमारे तो गाइस ये खा रहे हैं क्या, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन रसगुल्ला। कोई नहीं, कोई नहीं, इंडियन से डिस्काउंट मांगना हमारी फितरत है, बोलना जरूरी है, आगे करो ना करो बिल्कुल।
20 रुपए वो टिप होगी ना। तो गाइज अब हम हैं पंचपुला के मार्केट में और हमारी गाड़ी कहाँ है ये रही। ये हम खाइजर 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 गाइज खाइजर एक जगह है वहाँ हम रुकेंगे थोड़ा। मैं भी आपको दिखाता हूँ यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। बाहर निकलते हैं पहले और भूख लग रही है, पेट में भी दर्द सा हो रहा है थोड़ा सा। ये देखो गाइस ये देखो गाइस, जब दूसरी जगह आए हम तो मुझे उस वाली से जगह ये अच्छा यह जगह अच्छी लगी। यहाँ गोबर भी पड़ा हुआ है थोड़ा सा। सो गाइस खाना खा लिया है, पेट भर गया, लेकिन मजा नहीं आया खाना खाने में, लेकिन रात से बहुत अच्छा था। राजू खाना यार ये तो फार बेटर। मैंने ये समझ में नहीं आया कैसा मजा चाहिए। मुझे चाहिए दिल्ली दरबार वाला। तो गाइस अब हम चल रहे हैं उस साइड, वहाँ पर बलून्स हैं, हम बलून्स को देखेंगे बिकॉज बलून्स के अंदर पीपल्स हैं और थोड़ा वहाँ पर क्राउड भी है, क्राउड है तो हमें क्राउड को देखने में मज़ा भी आएगा और हम भी कुछ एक्टिविटी सोचने करेंगे वहाँ करें जाकर। और ये थोड़ा सा नज़ारा दिखाते हैं आपको इस साइड का, इसको बोलते हैं मिनी स्विट्ज़रलैंड। वहाँ पर खाया था हमने खाना वो जगह। चलें हेलो गाइस, ये हमारे एमएनआर दादा टोपे वाले भैया भाई शिव शर्मा और हमारे बड़े ब्रो मिस्टर सनवर चौधरी सोनू भाई, इनको अपने नाम से प्यार कम है इसलिए इन्होंने अपना नाम स्मॉल कर दिया सोनू। है ही नहीं है ही नहीं है ही नहीं अच्छा लगा। वाओ जैसे हम लोग गाइस जा कहाँ रहे हैं दोनों भाइयों की डिबेट हो रही है कि कौन पहले पहुंचेगा रनिंग करके। वो बता पहले। देखो मैं बता रहा हूँ कहाँ पर जाना है, जो सामने हाउस है ना वहाँ जो पहले पहुंचे। सामने वाला पेड़ सूखा है, सामने वाला जो सूखा पेड़ है वहाँ पे कौन पहले पहुंचेगा। ठीक है भाई 1 2 3 तो बोले ही नहीं मैंने, पहली भाग रहा है। रेडी 1 2 3 ये दोनों जा रहे हैं भागते हुए जा रहे हैं, देखते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। मुझे लगता नहीं है कि एमएनआर हारेगा भाई। एमएनआर का डिसबैलेंस हो गया और वो अभी भाग रहा है। एमएनआर जीत गया भाई हार गए।